पंचायत इलेक्टोरल रोल्स है उसकी जो सेकंड सप्लीमेंट के लिए जो एक डिसीजन लिया गया है कि हम सेकंड सप्लीमेंट इशू करेंगे, जिसके तहत 20 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक क्लेम्स लिए जाएंगे। जो क्वालिफाइंग डेट है वो है 1 जनवरी 2023, और उसके तहत जो लेफ्ट आउट लोग रह गए हैं, क्योंकि आमूमन देखा गया है जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने आप को एनरोल कर लेते हैं उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं होता है कि पंचायत में भी अपने आप को एनरोल करना ज़रूरी है, और जब भी पंचायत की इलेक्शंस होंगी तो अगर उनका वोटर कार्ड उसमें बना होगा तो ही वो पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, इसकी वजह से रह जाते हैं। तो ये एक सेकंड कोशिश कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ सेकंड सप्लीमेंट जिसको कहते हैं पंचायत इलेक्टोरल रोल्स के लिए, और 10 दिन का टाइम दिया गया है 20 सितंबर से लेकर 29 सितंबर। इन दौरान जो लोग अपने आप को एडिशन करवाना चाहते हैं, कहीं डिलीशंस हैं, कहीं ट्रांसपोजिशन के केसेस हैं, जो भी हैं वो अपना कर सकते हैं। उसके अलावा आगे हमारे स्पेशल कैंप्स, हम लोगों ने पीछे भी देखा जो हमारे स्पेशल कैंप्स होते हैं उन दिनों एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जाती है कि जो लेफ्ट आउट लोग हैं वो कम से कम अपने आप को एनरोल कर लें, और ये 23rd और 24th of September को होगा। और इस दिन हमारी आपके माध्यम से कोशिश रहेगी, आप लोग अगर मीडिया में डालेंगे, लोगों को आगाज़ करेंगे और बताएंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर कोई लेफ्ट आउट है, किसी वजह से कहीं बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो इसको इसमें अपने आप को एनरोल करके आ जाए। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का जो डेट रहेगी वो 30th September से लेकर 6 अक्टूबर तक रहेगी, और इन दोनों किसी को भी अगर कोई अपना बताना है, कोई ऑब्जेक्शंस देने हैं वगैरह, उसको कर सकते हैं, उसका डिस्पोजल रादर, जो भी आए होंगे उसका हम डिस्पोजल करेंगे। फाइनल जो पंचायत इलेक्टोरल रोल्स जो होंगी वो पब्लिश होंगी 10 अक्टूबर को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सभी को ध्यान रखने वाली यही है जो क्वालिफाइंग डेट है, 1 जनवरी 2023, जो 18 साल के 1 जनवरी 2023 को हो चुके हैं वो और रह गए हैं, किसी भी वजह से रह गए हैं, वो अपने आप को एनरोल करने का उनको फिर से मौका दिया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सभी जानते हैं फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में एडिशन करना है, किस में डिलीशन करना है, किस में ट्रांसपोजिशन करना है, 2B, 2C एंड 2D फॉर्म्स होते हैं हमारे ये, और इसके तहत आप लोग जो भी कंसर्न हमारा इलेक्टोरल है वो कर सकता है। हमने जो इसमें हमारे जो ERO होते हैं, SDMs होते हैं, SDM एंड ACR जैसे रियासी के लिए होते हैं, और जो AERO होते हैं हमारे BDOs होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, और PEBOs होते हैं हमारे पंचायतों में, ग्राम सेवक हो गया, अकाउंट असिस्टेंट हो गया, VLW हो गया, ये हमारे PEBOs का काम करते हैं और ग्राउंड लेवल पे इनका काम होता है। लोगों को इनफैक्ट हमारी आज आप लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए, और कोशिश हो कि सारे के सारे जो लोग हैं, जितने 18 को हो चुके हैं इस साल जनवरी में, वो फिर से अपने आप को कोशिश करके, कहीं रह गए हैं किसी भी वजह से रह गए हैं, कहीं 18 के बाद 22 भी हो चुके होंगे फिर भी नहीं अपने आप को एनरोल किया होगा, लेकिन 18+ क्रॉस कर चुके हैं वो ज़रूर यहाँ पर अपने आप को एनरोल करवाए। मैडम इनफैक्ट आप ठीक बोल रहे हैं, पिछले साल से ही ये चीज़ें चल रही हैं, आप जैसे देख रहे हैं टाइम टू टाइम पे समरी रिविजन्स भी हो गई हैं, लेकिन एक एफर्ट और की जा रही है ताकि कोई लेफ्ट आउट ना हो, असली पर्पस है। तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एनरोल्ड है वो शायद कहीं सोचते हैं कि पंचायत में एनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, और वो उस वजह से कहीं पंचायत इलेक्शंस में अपना वोट कहीं गंवा ना दें, इसलिए पर्पस यही हो रहा है कि वो भी अपने आप को एनरोल करवा लें। है एज इट इज़ हमारा हो चुका हुआ है, इनफैक्ट हमने करवा दिया हुआ है, सारा का सारा प्रोसेस इन प्लेस है, और जब भी नोटिफिकेशन होगी तो जो रेलिवेंट प्रोविजंस के तहत जो काम किया जाता है वो प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा।